वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी से संबंधित संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार इस प्रकार रहने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वरिष्ठ अध्यापक व प्राध्यापकों को पदोन्नत करने की कवायद शुरू। उदयपुर, परीक्षा का तनाव भगाने सेलिब्रेशन ऑफ द पर्व 2.0 लॉन्च, CBSE की पहल। उदयपुर, शिक्षण व्यवस्था की आड़ में प्रतिनियुक्तियां, डिंगार। उदयपुर, दूसरे बैच में होगी अनुपस्थित परीक्षार्थियों की परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से, लगाए 8,000 परीक्षक। संस्कृत शिक्षा विभाग, भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने के आदेश। हाईकोर्ट की टिप्पणी, अधिकारियों के गलत रवैये के कारण ना योग्य व बेरोजगार युवाओं का अधिकार छिन जाता है, वही छात्रों का भविष्य भी अपनी कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति राह देखते बर्बाद हो जाता है। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं में नियमित होगा औचक निरीक्षण। अजमेर, नीट के आवेदन के वितरण में ऑनलाइन सुधार आज से। अजमेर, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की ओर से आगामी 3 मई को देश भर में आयोजित होने वाली है नीट। पे मैनेजर पर मास्टर डेटा त्रुटिपूर्ण हुआ तो नहीं मिलेगा वेतन, वित्त विभाग ने कार्मिकों से जांच करने को कहा। अजमेर, प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित होगी IP सेल। आइडियाज को संरक्षित करने में प्रदेश की IPR नीति देश में सर्वश्रेष्ठ। सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन को शोक दिवस मनाया। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। भरतपुर, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त करने का आग्रह। जोधपुर, भीलवाड़ा सहित 20 DEO को थमाए नोटिस। भीलवाड़ा, चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाने वाले एक दिन में हुए फिट। कलेक्टर से ड्यूटी लगाने की गुहार। पंचायती राज चुनाव 2020, ग्राम विकास अधिकारी से दुर्व्यवहार, राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज। भीलवाड़ा, सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर मनाया पेंशन शोक दिवस। चित्तौड़गढ़, दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैठक आयोजित। मड़कसकर स्कूल को बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने की मांग। बीकानेर, शिक्षा अधिकारी ने किया आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन। जैसलमेर, पुरानी पेंशन का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे हुड्डा। चंडीगढ़, ऑक्सफोर्ड से IIT तक पहुंच रहा जवाहर नवोदय विद्यालयों का टैलेंट। नीट में पहली बार 16 लाख रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। एम्स व जिपमेर की तुलना में आसान होगा पेपर। मेडिकल एजुकेशन, प्रदेश के 1.38 लाख छात्र रजिस्टर्ड। सिंगल एग्जाम के फायदे नुकसान दोनों। जयपुर, UPSC डिस्क्लोजर स्कीम से युवाओं को बेहतर अवसर। RBI सहायक भर्ती के लिए आवेदन कल। अब BEd होगी महंगी। प्रदेश के 876 कॉलेजों में फीस नए सिरे से रिवाइज। अब प्राइवेट कॉलेज में शुरू होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग। जयपुर, पटवार भर्ती परीक्षा 4207 पदों के लिए 20 से ऑनलाइन आवेदन, इस बार एक पेपर ही होगा। रेलवे के अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती 6 फरवरी तक करें आवेदन। एम्स पटना में नर्सिंग ऑफिसर के 206 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 12 फरवरी तक। माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में 200 पदों पर भर्ती, ₹27,000 वेतन। प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018, 2.96 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने से पहले ही नौकरी की दौड़ से हो गए बाहर। समसामयिकी के सवाल, CBSE विद्यार्थियों के लिए रीडिंग चैलेंज का आयोजन। अजमेर, प्रायोगिक परीक्षा में सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही लगाएं। राजनीतिक दलों से जुड़े 5 शिक्षक नेताओं को किया इलेक्शन ड्यूटी से आज़ाद, बाकी 17 को लगाना पड़ा पंचायत चुनाव में। सुखाड़िया विश्वविद्यालय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर विज्ञप्ति। नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने तो ऑनलाइन आवेदन।
जेई मेन सभी प्रश्न पत्रों के 21 प्रश्नों के उत्तर पर संशय। आज रात 12:50 तक दर्ज होगी आपत्तियां। जिले के 6 स्कूलों में खुलेगी अटल टिकरिंग लैब। सैनिक स्कूल प्रवेश के परीक्षार्थियों का डाटा लीक, पास कराने के नाम पर ठग रहे गिरोह, पूरे देश में जांच शुरू। चित्तौड़गढ़ काली पट्टी बांधकर मनाया पेंशन शोक दिवस। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में काली पट्टी बांधकर सरकारी कर्मचारियों ने जताया आक्रोश। चुनाव रूटीन निरस्त करवाने गए थे, अब नौकरी खतरे में। भीलवाड़ा नवाचार स्कूलों में मिड डे मील में बच्चों के पालक व चुकंदर भी मिलेंगे। वेतन वृद्धि नोशनल परिलाभ को लेकर निदेशक से वार्ता। शिक्षकों ने चंदा करके पैसे जुटाए, फिर जरूरतमंद बच्चों को बांटे स्वेटर। मिशन 100 की मॉनिटरिंग भी करे शिक्षा अधिकारी कलेक्टर। मुफ्त बांटी जाने वाले पाठ्य पुस्तकों को अब स्कूल स्तर पर होगा निस्तारण। मतदान दलों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतदान सामग्री का वितरण आरंभ। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग शाला दर्पण पर अपलोड करें। सरकारी स्कूलों के पूर्व विद्यार्थी बताएंगे सफलता पाने के गुर। कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर पुरानी पेंशन स्कीम मांगी। तो दोस्तों ये थे आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।